पंजाब ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखला फजील असगर की खिदमात विफाक के सुपुर, सेक्रेटरी आपाशी सैयद अली मुर्तजा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखला तायुनात, सेक्रेटरी खुराक शौकत अली को तब्दील, सेक्रेटरी ज़राअत लगा दिया गया, नसीम सादिक सेक्रेटरी खुराक तायुनात, अब्दुल्ला खान सुब्बल सेक्रेटरी सर्विसेज, नबील अहमद आवान सेक्रेटरी एक्साइज, वासिफ खुर्शीद सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, डॉक्टर जावेद अहमद काजी सेक्रेटरी आपाशी तायुनात, डॉक्टर राहिल सदीकी को सेक्रेटरी खजाना लगा दिया गया, अहमद रजा सरवर सेक्रेटरी सर्विसेज की खिदमात विफाक के सुपुर्द कर दी गई। ब्यूरोक्रेसी के बाद वुजरा के कलमदान भी तब्दील करने का फैसला। पंजाब के चार वुजरा के महकमे तब्दील होंगे। अजमल चीमा, हुसैन गर्देजी, जवार हुसैन समेत चार वुजरा के महकमे तब्दील होने का इम्कान। शेखुपुरा रोड पर ट्रैफिक हादसे में शहीद चार पुलिस अहलकारों की नमाज़े जनाजा, पुलिस लाइंस किला गुजर सिंह में अदा, सीसीपीओ बी नासिर, एडिशनल आईजी राव सरदार, डीजी एंटी करप्शन सैयद एजाज शाह, डीआईजी ऑपरेशंस वकास नजीर और सीटीओ समेत पुलिस अफसरान और अहलकारों की शिरकत। पुलिस के दस्ते ने शोहदा को सलामी दी। पुलिस वैन उलटने से गुलबर्ग थाने के चार अहलकार जवाक और पांच जख्मी हुए। गिरफ्तार इश्तिहारी मुलजिम असलम भी जख्मी, जनरल अस्पताल में इलाज जारी। शहर में कत्ल की एक और इंदुनाक वारदात। जेल रोड पर मां बेटी घर में बेदर्दी से कत्ल। 35 साल आयशा और 5 साल आमना की लाशें बंद कमरे से बरामद। नामालूम कातिल ने दोनों को मारकर कमरे को ताला लगा दिया। लाशों से बदबू आने पर मोहल्लेदारों ने पुलिस को इतला दी। बहन से 5 रोज राबता नहीं हुआ। बहनोई ने घर वालों के साथ मिलकर कत्ल किया। मकतूला आयशा के भाई का इल्जाम। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। घर से 1.5 साल बच्चा लापता। पुलिस सुंदर में खातून घर में कत्ल, तशद्दुद ज़दा लाश घर की छत से बरामद। 66 साल मुमताज बीबी 6 बच्चों की मां थी। लाश मुर्दा खाने मुंतकिल। मकतूला के सर पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। पुलिस हवाई फायरिंग ने एक और मासूम की जान ले ली। गढ़ी शाहों में 12 साल हसीब शफकत सर में गोली लगने से अस्पताल में दम तोड़ गया। घर में सफे मातम बिछ गई। मकतूल हसीब के वालिद की मुदियत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। मुबैना तशद्दुद के बाद खातून के बाल काटने के मामले में नया मोड़। मुतासरा खातून मुसरत का जहनी तवाजुन ही ठीक नहीं। मुसरत ने सर के बाल खुद काटे। बहन का बयान सामने आ गया। कहती हैं हमारे पास मेडिकल सर्टिफिकेट मौजूद है। तब्दीली सरकार, महंगाई के मजीद वार। दाल रोटी चीनी घी सब महंगा। खाने पीने की 13 अशिया की कीमतें मजीद बढ़ा दी। नान और खमीरी रोटी 2 रुपए महंगी। कीमत 10 रुपए की बजाय 12 रुपए हो गई। दाल चना, दाल मसूर, दाल माश, दाल मूंग और चावल की कीमत भी किलो 4 रुपए बढ़ गई। चीनी भी 2 रुपए महंगी। आवाम की चीखें निकल गई है। सफेद पोश आदमी पिसके रह गया हुआ है, समझे ना। ये जिसकी जितनी भी तनख्वाह है ना, उसके अंदर वो सरफाई नहीं कर पा रहा हूँ। महंगाई बेबाह है, हर चीज उतन उतन जा रही, तो मजदूरी उत्थी खलोती। गरीब आदमी मरेगा और की करेगा। इस अलावा वो काम ही कोई नहीं गा। मैं हूँ 3 दिन तो भुखा वहाँ। हूँ रेट बद गए ने, तो मर मदान की होएगा। गरीब बंदा तो खा ही नहीं सकता। फ्रूट तो इन्ना महंगा हो गया, माड़ा बंदा तो खा ही नहीं सकता। आवाम महंगाई के घेरे में। मटन बीफ तो पहले ही आवाम की पहुंच से दूर। मुर्गी के गोश्त को भी लग गए पर। चिकन की कीमत में एक ही रोज में 12 रुपए इजाफा। कीमत 270 रुपए फी किलो पर जा पहुंची। महंगाई पर काबू पाना हुकूमत के बस की बात नहीं लगती। शहरी हुकूमत का मुनाफा खोरों और जखीरा अंदोजों से आहनी हाथों से निपटने का फैसला। मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ 16 अप्रैल से क्रैकडाउन। वजीर खुराक की जेर निगरानी टीमें तश्कील।
ज़िला इंतजामिया की जौहर टाउन जी टू मार्केट में कार्रवाई। आमदन से ज़ायद असासे मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ फैमिली की कल से तलबी का सिलसिला शुरू। नैब ने हमजा शहबाज को कल तलब कर लिया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली नैब की तहकीकती टीम के सामने पेश होंगे। पिक एंड ड्रॉप के पैसे नहीं दिए, अवामी रिक्शा यूनियन का पुलिस अफसर के खिलाफ एहतजाज। प्रेस क्लब के सामने धरना दिए रखा। डीएसपी सदर अब्दुल गनी ने 1.5 साल से रकम की अदायगी नहीं की, मुजाहिरीन का इल्जाम। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस की इल्जामात की तरदीद। डीएसपी अब्दुल गनी ने गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड के खिलाफ कार्रवाई की। रिक्शा ड्राइवर एहतजाज और प्रोपेगेंडा ऊपर उतर आए। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस। इंसानी सेहत के दुश्मनों का फूड अथॉरिटी की टीम पर हमला। ठोकर नियाज बेग में विजिलेंस टीम ने जाली कोल्ड ड्रिंक का फैक्ट्री पर छापा मारा तो मुलजिम अमले से उलझ पड़े। फैक्ट्री में बंद करने की कोशिश, मुलजिम फरार। फैक्ट्री से 2000 तैयार जाली बोतलें और दीगर सामान बरामद। जिले इंतजामी की बादाम विभाग सब्जी मंडी में कार्रवाई। गन्ना फरोशी पर 4 दुकानदारों को जुर्माना। लाहौर हाईकोर्ट के दाखिली और खारजी रास्तों को मजीद महफूज बनाने का फैसला। हाईकोर्ट ने सेफ सिटी अथॉरिटी को इकदाम करने की हिदायत कर दी। नए कैमरे लगेंगे। हाईकोर्ट के कैमरे को सेफ सिटी अथॉरिटी के सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। जराए यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 10 रुकनी वफ्द की लाहौर प्रेस क्लब आमद। गैर मुल्की वफ्द की सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में 26 सेक्टर्स में सरमाकारी की गुंजाइश है, यूके वफ्द की गुफ्तगु। वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन से यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल। ब्राजील में होने वाली रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी रेसलर्स की शानदार कारकर्दगी। रेसलर्स ने 2 सोने और 1 कांसी का तमगा जीता। सलमान अकील भट्ट ने 80 किलोग्राम, रहमान रजा ने 105 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। जश्न बहारा, कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन शहीद निजाबाजी टूर्नामेंट का शानदार आगाज। रिवायती रक्स और घोर डांस, खिलाड़ियों का पहले मार्च पास फिर निजाबाजी का कमाल। पंजाब पुलिस और वाबड़ा की टीमों के दरमियान कबड्डी मैच, पहलवानों ने खूब दाव पेच लड़ाए। टूर्नामेंट का मकसद शहदा को याद करना और पंजाब की सकाफत को उजागर करना है। मेयर लाहौर।